नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई श्रीलंका की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त मैं श्रीलंका के कोलंबो सिटी के अंदर, और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ श्रीलंका के कोलंबो सिटी के अंदर एक लोकल मार्केट लगती है, जहाँ पर हर प्रकार का जो सामान है वो मिलता है सेकंड हैंड। जैसे चाइनीज सामान होता है ना, और कपड़े वगैरह सब मिलता है, ठीक है ना। और काफ़ी लोग है वो इस मार्केट को पेटा मार्केट बोलते हैं, और काफ़ी जो लोग है वो इसको मतलब चोर मार्केट भी बोलते हैं। तो देखते हैं अपने को क्या कुछ है वो मतलब इसके अंदर देखने को मिलेगा, और क्या कुछ प्राइस रहता होगा सब टोटली बताने वाला हूँ मैं आपको इस वीडियो के अंदर। तो भाई वीडियो का नाम पूरा देखना। और फिलहाल इस मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है लोगों की सामान लेने के लिए जुटी हुई है। तो देखिए कुछ इस प्रकार की ये जो मार्केट है ये दिखती है, और धीरे धीरे मैं चलूँगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये देखो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई यहाँ पे। ये देखो यहाँ पर ये भाई साहब है ना, ये सेकंड हैंड जो फ़ोन है वो भी बेचते हैं। ये देखो सेकंड हैंड फ़ोन है ये सब के सब, ठीक है ना। यहाँ पर मोबाइलों की दुकानें हैं, और इस साइड में ये भाई साहब ग्लास बेच रहे हैं फ़ोन के। वन ग्लास हाउ मच? 350। तो भाई 350 रुपये है, इंडियन के अंदर बात करें तो 100 रुपये हो गया लगभग, मान के चलो। इस भाई ने अपने को 350 रुपये बताया ग्लास का, एक ग्लास का। तो इंडिया में 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये में मिल जाता है, तो काफ़ी मतलब ज़्यादा रेट लगा मेरे को तो यहाँ पे। और ये है बल्ब काफ़ी बड़े, ठीक है ब्रो। हाउ मच? 200। 400। ओके, तो भाई ये 400 रुपये का ये जो बल्ब है। ओके ब्रो। और ये देखो भाई बेल्ट है इस साइड के अंदर, ये है बेल्ट, ये है 450 का एक बेल्ट। और ये है जो बेल्ट वाले है ना, ये धागे वाले, ठीक है, इनका 200 रुपये है एक बेल्ट का प्राइस है वो। और इस साइड के अंदर ये इलेक्ट्रिक का सामान है, सब का सब इलेक्ट्रिक है यहाँ पे। ये देखो जो चाइनीज जो चीज़ें होती है ना वो सब की सब है वो इस मार्केट के अंदर है ना आपको देखने को मिलेगी। ये देखो बल्ब, देखो लट्टू, ठीक है ना, हिंदी भाषा में अपनी लैंग्वेज में लट्टू बोलते हैं इसको, लट्टू। तो ये काफ़ी बड़ी मार्केट है, और मेरे को लग रहा है भी ये महंगी मार्केट है। और यहाँ पर भी फ़ोन कवर है वो उनकी ट्राई करता हूँ मैं। ये देखो ब्रो, वन कवर हाउ मच? वन कवर 400 रुपया, 600 रुपया, 500 रुपया। ओ तेरी भाई को हिंदी आती है, कमाल कर दिया भाई आपने तो यार। भाई बोल रहे 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, अलग अलग बोल रहा है भाई, कमाल की बात है। ये कवर मेरे को सही लग रहा है, इंडिया और श्रीलंका के रेट में सब सेम सा लग रहा है मेरे को कुल मिला के। तो भाई इस मार्केट के अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो आते जाते रहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को लग रहा है ये यहाँ पर जो लोग हैं ना वो सामान खरीदने के लिए लगभग है ना उन्हीं की भीड़ है ज़्यादातर, ठीक है। और ये देखो भाई साइड के अंदर ये ग्लास मिल रहे हैं, और ये यहाँ पर चाबी, पाना, पेचकस, प्लास सब ले सकते हो आप, सब मिलेगा आपको इस मार्केट के अंदर। और ये है घड़ी, अगर किसी की घड़ी ख़राब हो गई है तो ये अंकल जी है, इनसे सही करवा सकते हैं अभी श्रीलंका में आकर, ठीक है। और ये देखो घड़ी ब्रो, वॉच हाउ मच? 651। कौन सा भी लोता है? ओके, तो भाई जो घड़ियां हैं वो बहुत ही मतलब अच्छी अच्छी बहुत ही सुंदर सुंदर घड़ियां हैं। ये देखो भाई क्या बात है। और दिस हाउ मच ब्रो? हाउ मच? 650। ओके, तो भाई 650, 750। ओके, तो भाई सब अलग अलग प्राइस है इन घड़ियों के, और बहुत ही मतलब सुंदर सुंदर घड़ियाँ हैं। भाई अगर कोई भाई इंडिया से आता है तो इस मार्केट के अंदर एक बार ज़रूर आएँ आप, ठीक है ना। और भाई की ये शॉप है, ये सामने वाली शॉप है ये। यस ब्रो, यूट्यूब रूम है भाई। हिंदी आता है आपको? हिंदी आता है आपको? हिंदी हिंदी नो हिंदी? ओके, तो भाई मतलब लगभग 1800-2000 के आसपास की जो घड़ियां हैं, बिल्कुल आपको इंडिया के लोग देखेंगे ब्रो। तो भाई इंडिया में है ना, बहुत देखेंगे आपको, टेंशन मत लो। हिंदी हिंदी नॉर्मल हिंदी, माय लैंग्वेज इन हिंदी एंड लिटिल लिटिल इंग्लिश। यस, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आता है मेरे को, इतना ज़्यादा नहीं आता है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और भाई ने टोटली है वो गड्डियों का जो प्राइस है वो मेरे को बताया, तो बहुत अच्छा लगा ब्रो मेरे को। ओके यार, काफ़ी ज़्यादा मज़ा है वो मेरे को आ रहा है इस मार्केट के अंदर वीडियो बनाकर, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोगों को हिंदी भी आता है। और ये देखो भाई, इसको एयरबड्स बोलते हैं ना, ये देखो ब्रो हाउ मच? 2000। तो भाई इनका जो प्राइस है
वो 2000 रुपये, ठीक है। और इस साइड में अंकल जी है, ये कुछ कान में जो निकालने वाला, मतलब ये ग्लव्स वगैरह, ये बालों के ऊपर लगाने वाला कुछ ऐसा बेच रहे हैं। और अभी इस साइड के अंदर ये देखो भाई, हेडफोन, ये मशीन, सिलाई मशीन। ब्रो हाउ मच मनी? पूछता हूँ मैं भाई, कोशिश करता हूँ पूछने की। ये सारे के सारे ब्रो हाउ मच मनी? तो भाई ये 5000 रुपये की है। ये देखो भाई इस साइड के अंदर ये घड़ियाँ हैं सब की सब, और ये मतलब जो कांटा वगैरह वेट करने वाले सब भाई यहाँ पे सब मिलेगा आपको इस मार्केट के अंदर। और ये कुछ मोबाइल की एसेसरी है यहाँ पर, पिन वगैरह, ठीक है, चार्जर। और ये बैटरी, नोकिया की बैटरी आज भी श्रीलंका में मिलती है, लेकिन अपने इंडिया में नहीं मिलती है। ये लाइट के होल्डर, ये लाइटें देखो भाई कितनी अच्छी अच्छी लाइटें हैं। वाह बहुत अच्छी अच्छी लाइटें हैं भाई। ये देखो ऐसे टेस्ट करवाते हैं ये भाई साहब। ब्रो लाइट Which one? 200? ओके, तो भाई इनका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मेरे को, तो 2000 रुपये के आसपास बता रहे हैं। और लाइटें बहुत अच्छी है भाई ये रियल में। ये देखो भाई ये सब है ना, जो बाल वगैरह है, दाढ़ी कटिंग करने वाली मशीनें, और ये बाल की हेयरिंग करने वाले, ठीक है ना, जो बाल करते हैं ना वो, ठीक है। ब्रो हाउ मच? 2000? 2000 रुपये का भाई ये, इसका प्राइस ज़्यादा लग रहा है मेरे को। काफ़ी यार बड़ी मार्केट है यार, लगभग 1-2 घंटा घूमने घूमने में लग जाएगा यहाँ पे। और ये देखो भी, ये पुरानी MCB लग रही है मेरे को जो लाइट में लगती है ना वो। ये देखो ये इस साइड के अंदर PC के फैन, कमाल की बात है। कभी इलेक्ट्रिक मार्केट है वो बहुत बड़ी है यहाँ की, ये जो, ठीक है ना ब्रो। तो पूछने की कोशिश करता हूँ भाई से मैं, क्या प्राइस है इनका? हाउ मच? 50 रुपीज ओनली? वाह तो भाई 50 रुपये का ओनली है। ये देखो भाई लाइटें, ये देखो यहाँ पर भी लाइटें मिल रही है ये, और जो चाइनीज जो बत्तियाँ हैं वो सब मिलती हैं यहाँ पर। और ये जो लोक है ना ये 4000 रुपये का है, 4000 रुपये का। ये देखो भाई इस साइड के अंदर भी ये कुछ लग रहा है मेरे को, पानी पूनी के अंदर कोई सिस्टम जुगाड़ होगा ऐसा ही है। ये देखो इस प्रकार का है, बारिश के अंदर चल सकते हैं, हेलमेट है ये, ठीक है। और ये इस साइड में प्लास, चाबी, पाना, क्रोती, ये मिट्टी उठाने वाला हावड़ा बोल सकते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पर है ना ये पुराना है, ये पुराने है, ये वाला सामान पुराना है सारा का सारा, ठीक है। तो भाई ये देखो यहाँ पर काफ़ी सारा जो लाइट का सामान है, जो दरवाजे के जो लगते हैं ना गेट के जो लॉक वगैरह, वो सब मिलेंगे। लाइटें देखो कितनी डिज़ाइन वाली लाइटें हैं यहाँ पे, टूटियाँ, ठीक है। और इस साइड के अंदर ये डिज़ाइन वाले बल्ब, ठीक है। और इस साइड में ये देखो फैन, देखो फैन की तरह बना दिया है, तो ये लाइट लेकिन फ़ैन की तरह लग रहा है। 4-5 बल्ब लगा दिए इसके अंदर उन्होंने, और काफ़ी मतलब अजीबोगरीब प्रकार की जो लाइटें वगैरह है वो देखने को मिल रही है यहाँ पे। कितनी भी वीडियो बना लो यहाँ पे जो अपने दिल्ली के अंदर जो मार्केट लगती है ना, लाल किले के आसपास एंड चांदनी चौक के आसपास, ठीक है, वो की वो सेम मार्केट है यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेम वही की वही जो मार्केट है वो यहाँ पे लगी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी चाइनीज सामान मिलता है तो यहाँ पर भी चाइनीज सामान मिलता है अलग अलग प्रकार के। फर्श ब्रो हाउ मच मनी? 1? तो भाई ये जो फर्श है ये है 1250 का, ये भी 1250 का, ये सब ये 1450 का, ठीक है ना, वेरी हाई प्राइस। इस साइड के अंदर ये बल्ब है। तो भाई जैसे दिल्ली के अंदर जो सामान ढोते हैं ना लोग, ठीक है, इधर उधर ले जाने के लिए, तो वैसे ही ये देखो इस प्रकार की जो गाड़ी का है ना जो इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर इस मार्केट के अंदर भी, क्योंकि दिल्ली में जो मार्केट है ना उस मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि वहाँ पर कोई मतलब है, जो काफ़ी जो बड़े बड़े जो व्हीकल है ना जो सामान ढोने के लिए वो चल नहीं पाते हैं, तो तब इस प्रकार की जो गाड़ी का है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर सामान रख कर इधर उधर ले जाया जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के रूप में काम में लिया जाता है।
तो भी उसी प्रकार यहाँ पर भी लिया जा रहा है। और ये देखो भाई ग्लव्स 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 ये है ग्लव्स जुराब ब्रो हेलो ब्रो ब्रो पूछता हूँ मैं पूछने की कोशिश करता हूँ भाई से जुराब की इसका पूछने की कोशिश जुराब है ये ब्रो हाउ मच 150 रुपीज ओके तो भाई 150 रुपये की जुराब है ये ओके ओके 200 ये 200 की है एंड ग्लव्स 200 ओके तो भाई लगभग 200 250 100 150 रुपए के हर जो पीस है वो आपको मिलेंगे ओके भाई कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है ये देखो ग्लव्स ओके इट्स वेरी डिमांड इन श्रीलंका श्रीलंका वेरी डिमांड ओके अहमदाबाद from Ahmedabad already we had okay like this but leather level half okay half when you know riding a bike yeah. okay leather. okay we have pay you 500 rupees each fare 500 rupees okay we pay 500 rupees for Indian gloves okay okay this Sri Lankan price Sri Lanka price is 500 6 500 they are 80 rupees so we started ₹80 ओके तो भाई इतना ज़्यादा मेरे को भाई तो बोल रहा है ये समझ नहीं आ रहा लगभग 500-600 रुपए का ये ग्लव्स है और ये देखो भाई फेविक्विक ठीक है और ये सेल भी बेचते हैं यहाँ पे दिस प्राइस ₹200 ओके ओके ब्रो ओके ओके तो भाई चार सेलों का जो प्राइस था वो था ₹200 तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस था ठीक है ना अपने इंडिया में तो भाई ₹5 का मिल जाता है ₹10 का मिल जाता है ठीक है और यहाँ पे तो भाई ₹50 रुपये एक सेल का लग रहा है ये देखो भाई सेट के अंदर ये है और ये रबर और ये मुकोटे अलग अलग मुकोटे अलग अलग प्रकार के भाई प्राइस क्या है इसका प्राइस क्या है प्राइस 200 ओके ओके 200 रुपये भाई आई एम फ्रॉम इंडिया दिस आइटम ₹500 ओके दो पीसों का ₹500 भाई ठीक है थैंक यू ब्रो दोस्तों मैंने आपको कोलंबो की इलेक्ट्रिक मार्केट दिखाई और जो भी मेरे से मतलब मेरे को लगा भी इसका जो प्राइस पूछना है वो मैंने आपको प्राइस बताया इस वीडियो के अंदर तो भैया आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मेरे को बता सकते हो आप और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और शेयर कर दो वीडियो को और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत।